हेलो दोस्तों, डायमंड ज्वेलर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम ये पेंडेंट बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्विस्टेड पेंडेंट है, हार्ट पेंडेंट। तो हम इसको 20 mm में बनाएंगे। तो 20 mm में पहले मैं इमेज को स्केल कर लेता हूँ, ठीक है। अभी हमें इसका 2D ड्रॉ करना है, ठीक है। ये फुल ट्विस्टेड पेंडेंट है, दोनों पार्टी ट्विस्टेड पार्ट है, ठीक है। तो मैं पहले इसका 2D ड्रॉ कर लेता हूँ। ये कर्व को मैं पहले स्मूथ कर लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, ये स्मूथ हो गया। अभी मैं इमेज फिर से लेके आता हूँ, ठीक है। अभी ये कर्व मैं ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे आगे जब ये जाएगा ना, ये ऐसे ड्रॉ होगा, ये आपका ये वाला ये जाएगा, क्योंकि ये पार्ट आपका ट्विस्टेड ट्विस्ट होके आएगा। जैसे रोप का ट्विस्ट होता है ना, ऐसे ट्विस्ट होके आएगा, ठीक है। इसका शेप ठीक कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। ये पार्ट हो गया। अभी लेफ्ट साइड वाला पार्ट हमें बनाना है। ठीक है, एक कर्व बन गया। इसको पहले स्मूथ कर लेते हैं, फिर दूसरा कर्व हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे थोड़ा खराब है, नीचे के साइड में ये थोड़ा ठीक करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो गया। अभी दूसरा एज हमें ड्रॉ करना है। ये भी नियर सिलेक्ट करके इसको, अभी यहाँ से मुझे नियर सिलेक्ट करके ये कार्ड के ऊपर ही ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये मेरा 2D वाला पार्ट हो गया। अभी ये कर्व को भी देख लेते हैं स्मूथ है कि नहीं। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इसको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरा 2D पार्ट हो गया। अभी हमें मेटल सेक्शन में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं 2D को ग्रुप कर लेता हूँ। अब एक पैराबोलॉइड लेते हैं डोम सेक्शन लेने के लिए। 0 एंटर टॉप से, फिर फ्रंट व्यू में चले जाते हैं। नीचे क्लिक करना है, फिर टॉप व्यू में जाना है। टॉप व्यू में जाके जस्ट डिजाइन से आपको थोड़ा बड़ा लेना है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा साइज नहीं है, इसको थोड़ा ऊपर मूव कर लेता हूँ क्योंकि नीचे स्पेस ज़्यादा है, ठीक है। तो ये मिडिल में आ गया। अभी इसका पॉइंट्स में हाइट थोड़ा कम कर देता हूँ, पॉइंट्स ऑन करके इसका हाइट थोड़ा कम कर देते हैं। अब इसको मैं प्रोजेक्ट करके देखता हूँ। ये डोम थोड़ा कम लग रहा है, इसका डोम थोड़ा और बढ़ाना है। तो क्या करना है, पैराबोलॉइड का हाइट थोड़ा मुझे और बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका पॉइंट्स ऑन करते हैं, पॉइंट्स ऑन करके इसका हाइट थोड़ा और बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं प्रोजेक्ट करके देखता हूँ। तो ये मुझे ठीक लग रहा है, एक ओवरऑल मेरा डोम आ गया, ठीक है। अभी इसके ऊपर हमें मॉड्यूलेशन देना है। तो इसको मैं साइड में रखता हूँ, अगर इनकेस बाद में काम आए तो, इसलिए मैं साइड में कॉपी करके रख रहा हूँ, ठीक है। फ्लैट कॉपी को भी मैं साइड में मूव करके रखता हूँ। अभी मेरा ये डोम सेक्शन में अभी हमें मॉड्यूलेशन देना है, ठीक है। बाकी पार्ट हाइड करता हूँ, इसको एक बार मैं रिबिल्ड कर लेता हूँ। ये दोनों कार्ब को रिबिल्ड कर लेते हैं। 12 पॉइंट्स देते हैं, हाँ तो ठीक है, 12 पॉइंट्स में, ठीक है। अभी हमें इसको मॉड्यूलेशन देना है। ये पार्ट मैं लॉक कर देता हूँ। ये पार्ट मुझे ये नीचे जाएगा, ठीक है। तो इसका मैं नीचे ले लेता हूँ ये पार्ट को, ठीक
ठीक है, अभी साइड व्यू में चले जाते हैं, साइड व्यू से इसका मॉड्यूलेशन देते हैं। ये पार्ट मुझे और थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार 3D व्यू में देख लेते हैं, साइड से तो बराबर लग रहा है, 3D व्यू से मैं भी थोड़ा शेप देख लेता हूँ। ये पार्ट को थोड़ा सा ऊपर ले लिया, ठीक है, ये मॉड्यूलेशन ठीक है। अभी दूसरा कर्व का भी हमें मॉड्यूलेशन देना है उसके हिसाब से। ये पार्ट थोड़ा मेरा ऊपर जाएगा, ये पीस मेरा स्लांट में ही बनेगा, सीधा नहीं बनेगा, स्लांट में ही बनेगा, इसलिए एक एज आपका ऊपर रहेगा, एक एज आपका नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट को मुझे और नीचे लेना है, नहीं तो ये इधर थिकनेस कम हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल सेटिंग का मेरा है पीस बकेट और आपका राउंड का, तो मैं क्या करूँगा, 1.5 का थिकनेस रखूँगा मेटल का, ठीक है, उसी हिसाब से हमें बनाना है। तो मैं ये अप्रोक्स मेजरमेंट देख लेता हूँ, ये 1.5 के आसपास ही है, ठीक है। तो ये मेरा एक साइड का मॉड्यूलेशन हो गया। तो अभी हम इसको एक क्रॉस सेक्शन कर्व देते हैं, क्रॉस सेक्शन कर्व देके स्वीप टू रेल्स कर देंगे, ठीक है। ये स्वीप टू रेल्स हो गया, तो ये मेरा सरफेस आ गया, ठीक है। अब इसको मैं सॉलिड बना लेता हूँ, ऑफसेट सरफेस करके 1.5 mm का थिकनेस देते हैं, ठीक है। तो अभी टॉप व्यू से देख लेते हैं, ये देखो एक्चुअल ट्विस्ट मेरा बन गया पीस, ठीक है। ऐसे ही हमें लेफ्ट साइड का पार्ट भी बनाना है, ठीक है। तो इसको भी मैं पहले रिबिल्ड कर लेता हूँ, 12 पॉइंट्स दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये वाला पार्ट मेरा ऊपर जाएगा, ये पेंडेंट का आपको मॉड्यूलेशन फुल मॉड्यूलेशन देना पड़ेगा, थोड़ा मॉड्यूलेशन दोगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा उतना, तो ब्यूटी नहीं आएगा, तो आपको फुल मॉड्यूलेशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार दूसरा पार्ट भी लेके आते हैं, अब ये पार्ट मेरा ऊपर जाएगा, और ये नीचे कर लेता हूँ और थोड़ा, ठीक है, ये पार्ट को हो गया। अभी हमें दूसरा पार्ट का, दूसरा 2D का मुझे मॉड्यूलेशन देना है, ठीक है। ये मेजरमेंट एक बार देख लेता हूँ, ये मेजरमेंट, ये थिकनेस ज़्यादा हो गया, तो इसको मुझे थोड़ा सा और ऊपर लेना पड़ेगा, ठीक है, 1.5 के आसपास हमें रखना है वो। ठीक है, तो ये मेरा मॉड्यूलेशन हो गया। अभी हम इसको एक लाइन ले लेते हैं, लाइन लेके स्वीप टू रेल्स कर देते हैं, ठीक है। तो ये सरफेस आ गया, अब इसको मैं सॉलिड बना लेता हूँ,
ठीक है, ऑफसेट सरफेस करके 1.5 का थिकनेस दे देता हूँ। तो ये भी ट्विस्टेड बन गया पीस, तो ये मेरे पेंडेंट पार्ट का मेटल बन गया। ठीक है, तो एक बार साइड व्यू से देख लेते हैं। ठीक है, तो ये पेंडेंट पार्ट का मेटल बन गया। अभी इसका बेस फ्लैट रहेगा, तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा रोटेट करके मैं सीधा कर लेता हूँ, बेस जैसे फ्लैट। ठीक है, तो ये मेरा पेंडेंट पार्ट का मेटल बन गया। अभी मुझे सेटिंग के लिए मुझे सेटिंग का पार्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर का सरफेस मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कटर बनाऊँगा। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करके मैं बाकी पार्ट हाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको ऑफसेट सरफेस देते हैं, ऑफसेट कार्बन सरफेस 0.7। ठीक है, ये नहीं आ रहा है, ये क्यों नहीं आ रहा है, ये नीचे के साइड में ना पॉइंटेड पार्ट है तो इसलिए नहीं आ रहा है। तो क्या करूँगा, मैं डुप्लीकेट एज लूँगा, लेके वहाँ पे पॉइंटेड पार्ट कर दूँगा फिर। तो पहले मैं क्या करता हूँ, स्प्लिट कर देता हूँ, जहाँ तक मुझे ज़रूरत है उतना रख के बाकी का सरफेस मैं कट करके डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, स्प्लिट करके। अभी मैं देखता हूँ, ये डुप्लीकेट एज लिया, इसको ज्वाइन किया। ठीक है, अभी स्प्लिट करूँगा, पॉइंट सिलेक्ट करके ये दोनों साइड का पॉइंट डिलीट कर दिया। ठीक है, तो अभी मैं ऑफसेट सरफेस करूँगा ना, ऑफसेट कार्बन सरफेस, अभी मेरा प्रॉब्लम नहीं होगा, 0.7 का ऑफसेट कार्बन सरफेस दे देते हैं। ठीक है, तो ये डायमंड बड़ा साइज का डायमंड है, तो 0.7 के जगह पे आप 0.8 भी दे सकते हो। ठीक है, सिमिलरली ये कार्ब को मैंने डुप्लीकेट बॉर्डर लिया, एज लिया, फिर यहाँ पे कार्ब को डिलीट कर दिया कट करके। अभी यहाँ से मैं ऑफसेट कार्बन सरफेस कर देता हूँ। ठीक है, तो कभी इस तरीके का पीस रहेगा, तो अगर इनकेस आपको ऑफसेट कार्बन सरफेस नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, डुप्लीकेट एज लेके जो पॉइंटेड साइड का पार्ट है ना, वो कर्व को थोड़ा कट देना है आपको। ठीक है, तो ये मेरा कटर बना रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसको जहाँ तक ज़रूरत है उतना ही रखते हैं, बाकी का पार्ट में डिलीट कर देंगे। तो ये अप्रोक्स ये 3 mm के आसपास डायमंड साइज आएगा, यहाँ पे भी 2.83 mm का बकेट बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे बकेट बिठाना है और यहाँ पे यहाँ तक मुझे डायमंड बिठाना है। ठीक है, तो सरफेस को मैं उतना ही रख के बाकी का पार्ट हमें स्प्लिट कर देना है। ठीक है, ठीक है, तो ये स्प्लिट हो गया, इतना पार्टी हमें रखना है। तो ये मैं क्या क्या बना रहा हूँ, बेसिकली मैं ये कटर बना रहा हूँ। ठीक है, इसको कॉपी किया एक पार्ट, फिर बोथ साइड में 2 mm सॉलिड बना लेते हैं ऑफसेट सरफेस। ठीक है, सॉलिड हो गया, अब इससे मैं बुलियन डिफरेंस कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा डायमंड का सेक्शन मेरा कट हो गया। ठीक है, अभी मैंने जो कॉपी किया था वो मैं पेस्ट कर लेता हूँ सरफेस को, फिर से पेस्ट कर लिया। इसको मैं 0.5 नीचे लूँगा, तो ऑफसेट सरफेस करूँगा पर सॉलिड नो करना है। ठीक है, सॉलिड नो करना है, तो ये 0.5 नीचे ले लिया। अभी इसके ऊपर हमें डायमंड बिठाना है। ठीक है, तो ये 3D पीस है, ये सरफेस आपका 3D में है, तो इसको क्या करूँगा, प्रोजेक्टिव सी प्लेन करके ना फ्लैट कॉपी बना लूँगा। तो मैं पहले क्या करता हूँ, लूप बना लेता हूँ ताकि मेटल का स्ट्रक्चर पूरा रेडी हो जाए। तो इसको मैंने ग्रुप किया, अभी हमें एक लूप बनाना है। तो मैं एक 6 mm का सर्कल लिया और एक 4 mm का सर्कल लिया। ठीक है, तो 4 mm का सर्कल को मैंने मूव किया एक साइड में, मूव करके उसका पॉइंट्स ऑन करके सेंटर वाला पॉइंट्स मैंने मूव कर दिया। अभी हमें मैनुअली एक लूप का 2D बनाना है। ठीक है, ठीक है, ये पार्ट बन गया। अभी ये कर्व को थोड़ा स्मूथ कर लेते हैं। मैं 3 mm का चेन ओपनिंग रखूँगा, तो बीच में मेरा गैप रहेगा 3 mm। ठीक है, अब इसको स्प्लिट कर देते हैं, कट प्लेन लेके सेंटर से स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट हो गया,
अभी ये कार्ब को मिरर कर देते हैं, मिरर करके ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करके जो ज्वाइनिंग पॉइंट्स है ना वो मैं पॉइंट्स डिलीट कर देता हूँ ताकि वहाँ पे कोई खाज ना रहे। ठीक है, अभी एक 3 mm का सर्किल लेते हैं, उसके बाहर एक 0.8 का ऑफसेट देते हैं। ठीक है, तो मुझे ये इतना मुझे बनाना है। ठीक है, तो ये सर्किल जो 3 mm का है वो मेरा मुझे गैप रखना है, तो ये पार्ट को मुझे और थोड़ा फुगाना पड़ेगा, ये पार्ट को थोड़ा और मैं टेपर कर देता हूँ। ठीक है, इसका शेप थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, ये ठीक है, सिर्फ इसको मैं 0.8 का एक ऑफसेट दे देता हूँ। अभी हम टॉप व्यू में चले जाते हैं, बाकी का पार्ट मैं लेके आता हूँ, इमेज भी लेके आते हैं। ठीक है, लुक को मैं ऊपर मूव किया, अभी मुझे इसको बोथ साइड एक्सट्रूड करना है। ठीक है, एक्सट्रूड हो गया, अभी टॉप व्यू से मुझे एक कट प्लेन लेना है, या तो लाइन भी ले सकते हो। टॉप व्यू से एक लाइन लिया, जैसा शेप है वैसे ही वी शेप में हमें लाइन लेना है। ठीक है, इसको मैं 1 mm का एक ऑफसेट देता हूँ। ठीक है, 1 mm का ऑफसेट दिया, अभी इमेज को मैं हाइड कर देता हूँ, इसको मैं मूव कर लेता हूँ, मूव करके ये पार्ट मिरर कर देता हूँ। ठीक है, अभी ये कार्ब को मैं अंदर वाला दो कार्ब को मैं ट्रिम कर लेता हूँ। ठीक है, अभी इसको एक्सट्रूड करते हैं बोथ साइड, 3D व्यू में चले जाते हैं, पर्सपेक्टिव में एक्सट्रूड किया। अभी इससे मैं बुलियन स्प्लिट कर लेता हूँ, बुलियन स्प्लिट नहीं हो रहा है, तो दो सरफेस को पहले मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, ज्वाइन करके फिर बुलियन स्प्लिट करते हैं। ठीक है, तो ये बुलियन स्प्लिट हो गया, अभी तो आउटर वाला जो दो कर्व है वो दोनों कर्व को मैं एक्सट्रूड करता हूँ। ठीक है, अभी ये कर्व से सर्फेस से मैं बुलियन स्प्लिट कर लेता हूँ, तो ये मेरा पार्ट लूप का पार्ट बन गया। अभी मैं बाकी पार्ट लेके आता हूँ, मेटल का पार्ट। ठीक है, ये डायरेक्ट लूप पेंडेंट के साथ अटैच रहेगा, इसमें करी नहीं है, तो ये फिक्स पार्ट वन पीस रहेगा। ठीक है, तो अभी मैं साइड व्यू में चले जाता हूँ, ये नीचे है तो इसको मुझे ऊपर लेना पड़ेगा। एक बार 3D व्यू से देख लेते हैं, इसको और थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरा पेंडेंट पार्ट बन गया। ठीक है, अभी हमें इसका डायमंड सेटिंग करना है, बकेट और राउंड डायमंड। ठीक है, तो मैं बाकी पार्ट हाइड करता हूँ, इसका कलर चेंज कर देते हैं, बाकी पार्ट हाइड करते हैं। ठीक है, ये सरफेस को मैं प्रोजेक्ट टू सी प्लेन कर देता हूँ, तो मेरा फ्लैट कॉपी आ गया। ठीक है, तो फ्लैट कॉपी में हम राउंड और बकेट बिठाएंगे, फिर उसको फ्लो अलोंग सरफेस करके मैप कर देंगे। ठीक है, तो ये डुप्लीकेट बॉर्डर लिया, इसके बाहर एक 0.1 का ऑफसेट लिया। ठीक है, ये डायमंड मुझे बाहर का जो 0.1 का ऑफसेट लिया वहाँ तक मुझे डायमंड बैठेगा, क्योंकि 0.1 का लॉकिंग रहेगा सरफेस के ऊपर, तो मैं G1 सरफेस करके इसके ऊपर डायमंड बिठा देता हूँ। ठीक है, ये साइज बड़ा साइज जाएगा, लॉकिंग आप 0.15 तक रख सकते हो, क्योंकि डायमंड बड़ा साइज है, 1.5 तक रख सकते हो, सॉरी डायमंड टू डायमंड गैप, और लॉकिंग भी 0.1 से 0.15 तक रख सकते हो, तो नॉर्मली हम 1 ही देते हैं कैड से। ठीक है, तो ये 4 डायमंड मेरा बैठ गया, तो इसको एक बार मैं फ्लो करके देख लूँगा कैसे आ रहा है। ठीक है, ये ऊपर का सरफेस को मैं लेता हूँ। ठीक है, अभी फ्लो अलोंग सरफेस, बेस सरफेस, ये टारगेट सरफेस, तो ये बराबर आ रहा है। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, तो ऐसे ही मैं बकेट को भी ऐसे ही बिठाऊँगा, फ्लैट कॉपी में बकेट बिठा के फिर फ्लो अलोंग सरफेस कर दूँगा। ठीक है, अभी हमें बकेट पार्ट बनाना है, बकेट बिठाना है इसके ऊपर।
यहाँ पे मुझे अप्रोक्स 2.8 तक बकेट आएगा, सबसे बड़ा साइज जो आएगा। तो मैं एक साइड से बकेट बिठा देता हूँ, ठीक है। बकेट का क्या है, आपको अप्रोक्स बजट देना पड़ता है कि क्या साइज जा रहा है, ठीक है। तो एक आध साइज ऊपर नीचे तो बैठता है, जब वैक्स सेटिंग में होता है तो बैठता ही है। और आप जो साइज़ दोगे वो साइज उतना ही चौड़ा वाला मिलेगा नहीं, ठीक है। तो हमें अप्रोक्स साइज़ देना है, और बकेट का क्वांटिटी भी कैट से जो दोगे क्वांटिटी प्लस माइनस होता ही है, ठीक है। तो मैं 1.5 का बकेट से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको रोटेट कर देते हैं, ठीक है। कॉपी करके पहले मैं बिठा लेता हूँ, इसको 2 mm का साइज़ दे देते हैं, ठीक है। एक एक करके कॉपी करके मैं बिठा देता हूँ, साइज को जो साइज बैठ रहा है उसके साइज के हिसाब से। तो बकेट का चौड़ाई हमें नॉर्मली 50% रखना है। अगर मैं 2 mm का बकेट बिठा रहा हूँ तो इसका चौड़ाई होगा 1 mm, तो ऐसे ही बिठाना है, ठीक है। ठीक है, तो मैं एक एक करके कॉपी करके बिठा देता हूँ। ये बकेट का साइज एक साइज छोटा लगेगा, ठीक है। यहाँ तक ये बकेट बिठाते हैं और नहीं बिठाते हैं, ठीक है। तो एक बार रोटेट करके मैं ठीक कर लेता हूँ, तो ये मेरा बकेट बैठ गया, ठीक है। बकेट सेटिंग हो गया। अभी इसके ऊपर हमें क्या करना है, फ्लो अलोंग सरफेस करना है। तो मैं इसको फ्लो अलोंग सरफेस कर देता हूँ, प्रोजेक्ट किया, ठीक है। तो ये मेरा डायमंड सेटिंग हो गया, राउंड और बकेट सेटिंग हो गया, ठीक है। अभी मैं बाकी का मेटल पार्ट लेके आता हूँ। अभी क्या, इसके नीचे सपोर्ट देना पड़ेगा। तो मैं पहले क्या करता हूँ, ये राउंड के नीचे राउंड का जेम प्रोफाइल कर्व ले लेता हूँ, ठीक है। राउंड डायमंड का फ्लैट कॉपी वाला, ठीक है। अभी डायमंड का हाइट करते हैं, अभी इसके अंदर एक 0.4 का ऑफसेट देते हैं, इसका भी पाइप करेंगे 0.8 का थिकनेस का, ठीक है। पाइप हो गया, इसको मैं 0.4 0.5 नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं डायमंड लेके आता हूँ, जो फ्लैट कॉपी का डायमंड है वो मैं लेके आता हूँ, ठीक है। अभी मैं डायमंड को क्या करता हूँ, इसको और थोड़ा नीचे ले लेते हैं, इसको मैंने कॉपी किया एक, फिर इसको एक्सप्लोर कर दिया, ठीक है। एक्सप्लोर कर दिया, अभी ये जो मैंने पाइप बनाया इससे बुलियन डिफाइंस कर दूंगा, ठीक है। तो ये चैम्फर जैसा आ जाएगा, ठीक है। तो सी टी ए मेरा ऐसा हो गया, अभी मैं फिर से पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको ग्रुप किया, अभी मैं इसको क्या करना है, जैसे डायमंड को फ्लो अलोंग सरफेस किया था ऐसे ही हमें फ्लो अलोंग सरफेस करना है, ठीक है। ठीक है, तो ये मेरा नीचे का बेस का सीट आ गया, डायमंड का नीचे का सीट आ गया, ठीक है। अभी मुझे बकेट का पार्ट का करना है, तो मैंने ये सरफेस को एक कॉपी रखता हूँ, कॉपी रख के यहाँ पे मैं दो सपोर्ट डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक डाल देता हूँ 0.8 का सपोर्ट, तो ऑफसेट देना है बोथ साइड में 0.4, ठीक है। ये सरफेस को मैं स्प्लिट कर लेता हूँ दोनों कर्व से, ठीक है। तो ये सपोर्ट आ गया, इसको मैं 0.2 नीचे लेता हूँ सरफेस को, 0.2 नीचे लेता हूँ, लेके तो मैं 0.8 का थिकनेस देता हूँ, सॉलिड बना लेते हैं 0.8 का थिकनेस, सॉलिड यस करना है, ठीक है। अभी ऊपर के साइड में हमें 0.2 का चैम्फर कर देना है, तो ये चैम्फर हो गया, ये सपोर्ट भी आ गया, ठीक है। तो ये पेंडेंट पार्ट मुझे मेरा पूरा बन गया, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, जो एज साइड है कॉर्नर साइड,
जहाँ पे डायमंड एंड हो रहा है वो साइड मुझे थोड़ा पैक करना पड़ेगा, ये गैप नहीं रखना है हमें, पैक कर देना है ठीक है। तो मैं ये लॉफ्ट करके एक सरफेस बना लेता हूँ, इसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ, जहाँ तक डायमंड है वहाँ तक मैं पैक कर देता हूँ ठीक है। तो ये सरफेस मेरा स्प्लिट हो गया, इसको मैं ऑफसेट दे देता हूँ 1.5 का। ठीक है तो ये पैक हो गया। सिमिलरली आपको दूसरा एज भी करना है, तो मैं ये एज ले लेता हूँ। अब ये पॉइंटेड वाला एज कैसे करेंगे, इसको थोड़ा उल्टा डोम शेप में करेंगे, फ्लैट नहीं रखेंगे इसको, इसको जो पैक करेंगे ना वो फ्लैट नहीं रखेंगे। तो मैं ये पार्ट स्प्लिट कर लेता हूँ ठीक है। तो ये सरफेस को मैं 1.5 का ऑफसेट दे देता हूँ ठीक है। अभी मैं बाकी पार्ट हाइड करता हूँ ठीक है। अभी हमें ऊपर का डुप्लीकेट एज लेना है और नीचे का सरफेस को कॉपी करना है एक्सट्रैक्ट करके ठीक है। सॉलिड पार्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ ठीक है। अभी इसका चार पॉइंट्स पॉइंट्स ऑन करना है, चार पॉइंट्स लेना है। देखिए बीच का जो दो पॉइंट्स है उसको नीचे 0.3 तक मूव करना है, 0.3 0.4 तक ठीक है। अभी ये दोनों सरफेस का डुप्लीकेट बॉर्डर लेके हमें लॉफ्ट कर देना है ठीक है। अब इसको ज्वाइन कर लिया, ये सॉलिड हो गया ठीक है। ये पॉइंटेड वाला पार्ट इस तरीके से हमें बनाना है ठीक है। और एक पार्ट रह गया, ये वाला पार्ट हमें पैक करना है। तो मैं डुप्लीकेट एज ले लेता हूँ, एज लेके लॉफ्ट कर देता हूँ, तो सरफेस आ गया। अभी टॉप व्यू में चले जाते हैं, टॉप व्यू से वायर फ्रेम कर लेते हैं ठीक है। वायर फ्रेम से मैं ये पार्ट स्प्लिट कर लेता हूँ, सेम प्रोसेस जैसे मैंने ऊपर का पार्ट इससे पहले वाला पार्ट किया ऐसे ही हमें बनाना है। 1.5 का इसको मैं मूव कर लेता हूँ, 1.5 का ऑफसेट देखें, इसको ऊपर और नीचे का सरफेस में एक्सट्रैक्ट किया, सॉलिड को डिलीट किया ठीक है। ऊपर का मैं डुप्लीकेट बॉर्डर ले, डुप्लीकेट एज ले लेता हूँ ठीक है। अब ये पॉइंट्स को रिबिल्ड किया, फिर बीच का दो पॉइंट्स को मैं 0.3 0.4 नीचे मूव कर देता हूँ ठीक है। अभी स्विफ्ट टू कर देते हैं। अब ये दोनों का डुप्लीकेट बॉर्डर लिया, बॉर्डर लेके लॉफ्ट कर देते हैं ठीक है। ये मेटल बन गया, मेटल का पार्ट इसको मैं मूव कर देता हूँ ठीक है। तो ये मेरा पेंडेंट रेडी हो गया। ठीक है तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताना, एंड अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।